एक पूरा पेप्सी हमारे पास से फिल हो सकता है और आप सील भी देख सकते हो। ऐसी बेहतरीन मशीन परचेस कर सकते हो, क्वालिटी वाली मशीन हमारे पास से परचेस कर सकते हो। देखिए ये आपके सामने ही पूरा मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आपके हिसाब से आप साइज रख सकते हो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, एचडी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक अलग ही बिजनेस सिखाने वाला हूँ, किस तरह से बिजनेस करना है, किस तरह से मार्केट में बेचना है, कहाँ पे बेचना है, कितना मार्जिन रखना है, किस तरह से आपको लेना है, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में आपको मैं पूरा दिखाने वाला हूँ। किस तरह से आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों के आज हम फ्लेवर बना के पूरा लाइव डेमो आपको दिखाने वाले है, किस तरह से फ्लेवर बनता है, किस तरह से उसके अंदर चीनी मिलानी है, किस तरह से और ऐसे सामने मिला दे प्योर आपको हाइजेनिक और शुद्ध हमारे पास से आपको फ्लेवर मिलेगा। एचडी सोडा मशीन के पास से पूरा आपको फ्लेवर मिलेगा। तो दोस्तों आप अंत तक पूरा वीडियो देखिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह से हम आपको वीडियो दिखाने वाले है दोस्तों। तो आइए आपको मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, किस तरह से पूरा फ्लेवर बनता है, कितना चीनी मिलाना है, कितना आपको उसके अंदर फ्लेवर डालना है और बाकी चीज आपको जो अदर यूट्यूब वीडियो में दिखाई देता है कि ये डालो वो डालो, इतना शक्कर डालो, इतना ये चम्मच मिलाओ, ऐसा कुछ रहने वाला नहीं है। प्योर आपको फसाई लाइसेंस के द्वारा गवर्नमेंट अप्रूवल वाला आपको पूरा एक सिस्टम से पूरा आपको सिखाने वाले है किस तरह से फ्लेवर बनता है। और उसके बाद आपको इस टाइप से पूरा दो फ्लेवर लेना। मान लीजिए आज हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं आपको कोला का फ्लेवर, तो कोला के साथ में जो प्रीमिक्स पाउडर आता है दोनों, और आपको ये चीनी चाहिए, दोनों मिलाने के बाद आपको किस किस तरह से बनाना है पूरा हम आपको लाइव वीडियो आपको दिखाने वाले है, किस तरह से कितना पानी मिलाना है। और आप पूरा वीडियो देखिए, इस तरह से चीनी लेना है आपको, नॉर्मल से आपको फ्लेवर लेना है, जो हमारे पास से आप लेते हो इस टाइप से आपको फ्लेवर बनाना है, पूरा आपको 50 लीटर का बनेगा। किस तरह से बनाना है हम आपको सिखाते हैं आज पेप्सी का पूरा रेसिपी दोस्तों। देखिए दोस्तों ये चीनी ले लिए, ये पूरा फ्लेवर है, और फ्लेवर को इसके अंदर से डाल देने से पहले आपको एक खाली बर्तन ले लेना है, इस टाइप से पूरा आपको हिलाने के लिए जो चमचा रहता है वो आपको ले लेना है। तो आपको अगर मिलाने के लिए सबसे पहले आपको इतना पानी ले लेना है, आपको खाली बर्तन में 5 लीटर लेते हो तो 5 लीटर, 10 लीटर आप लेना चाहते हो तो 10 लीटर आप पानी ले सकते हो दोस्तों। देखिए अंदर देख लीजिए, पूरा आपको पानी दिख रहा है बर्तन के अंदर। उसके बाद आपको पूरा इस टाइप का जो फ्लेवर रहता है वो फ्लेवर को काट कर और हम आपको चीनी दोनों उसके अंदर डालकर दिखाते हैं दोस्तों। देखिए 6 केजी का पूरा चीनी है, देखिए दोस्तों ये पूरा इस तरह से डाल देना है, इस तरह से पूरा। अब देख सकते हो दोस्तों पूरा 6 केजी आपको चीनी दिख रहा है, ठीक है। पानी इतना ही डालना है आपको, कम 5 लीटर ही डालना है। उसके बाद आपको इस तरह से पूरा फ्लेवर है, ये लिक्विड है, देख सकते हो दोस्तों डी कोला लिखा हुआ है ये पूरा, वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, और हम आपके मार्केटिंग टीम हमारे पास से लेते हो तो पूरा गाइडलाइन भी आपको देंगे। तो दोस्तों आपको ये पूरा हम आपको दिखाने वाले, पहले लिक्विड ले लीजिए, ये लिक्विड और प्रीमिक्स पाउडर का दो आपको सैंपल आता है, इस तरह से कट कर दीजिए। देखिए दोस्तों उसके अंदर लिक्विड आता है, ये मिलाओ वो मिलाओ ये सब कुछ नहीं रहेगा, आपको ये दो मिलाना है, चीनी डालनी है 6 केजी चीनी, पानी डालना है 5 लीटर, आपको ये दो पाउडर डाल देना है, पाउडर और लिक्विड। देखिए पूरा डाल दिया है आपको, डी कोला का पूरा फ्लेवर हम बना रहे हैं। देखिए दोस्तों ये पूरा कलर भी आ गया है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये इजीली आपको पाउडर मिलाना है, पाउडर आप देख सकते हो, ये पूरा पाउडर आपको इजीली इस तरह से पूरा मिलाना तो रहता है। देखिए दोस्तों ये पूरा पाउडर है, ये प्रीमिक्स पाउडर रहता है, अभी पाउडर हमने डाल दिया है। देखिए दोस्तों इस तरह से इजीली आपको पाउडर डाल देना है,
देखिए ये पूरा पाउडर है। अभी पाउडर और लिक्विड हमने दोनों डाल दिया है और चीनी डाल दी है, पानी ले लिया है। अभी आपका काम पेप्सी का रॉ मटेरियल और आपको पाउच के लिए जो चाहिए, ठीक है, लिक्विड जो कोला कर रहा था वो रेडी हो गया है। तो अभी क्या करना है दोस्तों, आपको पूरा उसको मिक्स कर देना है और चीनी पूरा पिघल जाने के लिए पूरा हिलाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से पूरा हिला दीजिए उसको, तब तक हिले जब तक ये पूरा आपको पाउडर ऊपर दिख रहा है वाइट वाइट, वो पूरा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा और पूरा चीनी और इसको दोनों को आपको मिला देना है। देख सकते हो पूरा कोला का आपको फ्लेवर देखिए पूरा मिक्स हो चुका है और उसका देखिए पूरा मिल गया है। कोला का 5 लीटर का रेडी हो गया। आपको हमको करना है 50 लीटर रेडी, तो उसके अंदर हम बाकी का जो 35 है, ठीक है, आपको 40 लीटर ऐड करना है तो 40 लीटर, 45 लीटर ऐड करना है तो 45 लीटर भी आप पानी को वाटर को ले सकते हो आपके हिसाब से, जितना आपको लगता है कि इतना पानी डालना है तो डाल सकते हो आप। 45 लीटर आपको जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अभी उसके अंदर मैं अभी पानी डाल देता हूँ। अभी दोस्तों ये पूरा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आपको आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको भी पता है कि कितना टाइम लगता है पूरा फ्लेवर बनाने में, पूरा आपको समझाने में, ठीक है। अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप कॉन्टेक्ट करके पूरा हमारे पास से फ्लेवर मंगवा सकते हो। 42 टाइप के हमारे पास फ्लेवर है, मैंगो, ऑरेंज, लीची, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, इसी टाइप के डिफरेंट टाइप के हमारे पास से फ्लेवर रहते हैं। तो आप प्राइस लिस्ट और कैटलॉग भी हमारे पास से मंगवा सकते हो। तो देखिए दोस्तों अभी मैं उसके अंदर 5 लीटर और ऐड कर रहा हूँ पानी। देखिए तो पूरा 5 लीटर और ऐड हो रहा है पानी और पूरा आपको फ्लेवर पूरा चीनी पूरा मिक्स हो गया है। तो इसी तरह से आपको 5 लीटर हमने और ऐड कर दिया है, ठीक है, देख सकते हो। देखिए पूरा 5 लीटर ऐड हो गया है। तो अभी मैं आपको पूरा आपको पेप्सी में भर के दिखाने वाला हूँ किस तरह से पेप्सी में भरना है। देखिए पूरा रेडी हो गया कोला का फ्लेवर। इसी तरह से आप मैंगो, ऑरेंज, लीची, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, गुआवा और कोई भी एसेस वगैरह कुछ मिलाना नहीं है, ये पाउडर वो पाउडर कुछ नहीं मिलाना है आपको। प्योर इस टाइप का कोला का फ्लेवर रेडी हो जाता है। देखिए दोस्तों इसी टाइप से पूरा हमारे पास से हाइजेनिक और शुद्ध फ्लेवर रेडी होता है। तो इस टाइप की बेस्ट क्वालिटी की आपको फ्लेवर परचेस करने के लिए एसडी सोडा मशीन का आप कॉन्टेक्ट करें दोस्तों। अभी मैं आपको वीडियो देखिए दोस्तों किस तरह से पेप्सी में हम भरते हो, आपको लाइव डेमो करके दिखाने वाले किस तरह से उसको कटिंग करना है, कितने में बेचना है। देखिए दोस्तों अभी मैं आपको पूरा पेप्सी का रोल दिखाने वाला हूँ किस तरह से भरना है। अभी पूरा मैं आपको ये थैली में से निकाल के दिखाने वाला हूँ किस तरह से पेप्सी का रोल हम भरते है। तो देखिए ये पूरा मैं निकाल लेता हूँ, ये बाहर आ गया पेप्सी का रोल। उसके अंदर से हमको बनाना है 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का, हमारे पास पेप्सी का रोल आपको मिल जाएगा इजीली। देखिए दोस्तों ये पूरा 1 इंच का हमारे पास पेप्सी का रोल है। अभी मैं आपको भरकर दिखाने वाला हूँ किस तरह से उसके अंदर भरना है पेप्सी का रोल। इस टाइप की टूल्स ले लेना है, उसके अंदर डाल देना है इसको। देखिए दोस्तों ये पूरा पेप्सी का रोल उसके अंदर लग चुका है और अभी मैं उसके अंदर टेप लगा देनी है। आपको मैन्युअली पूरा आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से पूरा पेप्सी का रोल आप फिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों अभी इस टाइप की पेप्सी का किट आप लेते हो तो पूरा आपको उसके साथ में सब कुछ रॉ मटेरियल आपको उसके साथ में मिलने वाला है। तो देखिए अभी उसको ऊपर मैंने टेप लगा दी है, इस तरह से आपको टेप लगा देनी है और टेप लगा देने के बाद आपको मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाने वाला हूँ किस तरह से। उसके अंदर मैं आपको थोड़ा मटेरियल भर के भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से उसके अंदर रॉ मटेरियल भरते हैं। देखिए दोस्तों फ्लेवर हमने बनाया जो कोला का फ्लेवर है, ये पूरा छन्नी वगैरह कुछ है, ठीक है। अभी उसके अंदर मैं आपको फ्लेवर भर के दिखाने वाला हूँ, इस तरह से आपको भर लेना है फ्लेवर। देखिए इसीलिए इस टाइप से पूरा कोला का आपको धीरे धीरे पूरा समझ में आ चुका होगा कि इस तरह से पूरा फ्लेवर बनता है।
तो इस टाइप के देखिए इस तरह से पूरा फ्लेवर बनना है। इस तरह से पूरा आपको फ्लेवर लगा देना है और हो जाना है और इस तरह से पूरा आपको लिक्विड भरते जाना है। देखिए पूरा कोला का एक फ्लेवर है उसके अंदर आ रहा है और हम फील कर रहे हैं। देखिए इजीली पूरा फील हो रहा है और आपको लगने लगा होगा कि पूरा पेप्सी टाइप आपको दिखने भी लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस टाइप से आप दूसरे भी वीडियो देख सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। तो इस टाइप को इस तरह से पूरा हम भर लेते हैं एक बार में, पूरा भरकर में दिखा देता हूँ आपको। तो भाई इस तरह से आपको कोला का फ्लेवर है, ऑरेंज है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप फ्लेवर करके मार्केट में सेल कर सकते हो दोस्तों। तो इस टाइप के और भी वीडियो हमारा देखने के लिए, बिजनेस आइडिया और देखने के लिए और हमारा पूरा किट खरीदने के लिए आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों इस टाइप से पूरा, ठीक है। अभी भर चुका है, मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आप निकाल के इस तरह से पूरा आपको एक यहाँ पे गांठ लगा देना है। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको गांठ लगा दी है तो उसके बाद आपको इस तरह से पूरा आपको रोल है ले लेना है हाथ में, ठीक है। यहाँ से आपने भरा हुआ है, मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ इसीलिए पूरा एक डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। पूरा रोल मेरे को भरने को नहीं है, आपको एक दिखाना है कि इस तरह से पूरा होता है। तो वो दिखाने के लिए आपको मैं पूरा आगे गार्ड लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी जगह रख देना है और यहाँ से कट कर देना है। देखिए पूरा कर चुका है इस तरह से आप, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप फ्लेवर भी हमारे पास से परचेस कर सकते हो। रोल आपको चाहिए तो रोल भी हमारे पास से मिल जाएंगे दोस्तों। देखिए अभी यहाँ से आपको कट कर देना है, नॉर्मली क्या करना है कट कर देना है यहाँ से आपको इजीली। देखिए ये पूरा फ्लेवर आ चुका है, हम पूरा फ्लेवर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा ब्रेजर बजा, विकट हो गया। मैंने कोई कट लगाया नहीं है, पूरा स्पेशलिस्ट पूरा जो है वो पेप्सी का ही मटेरियल है। देखिए पूरा इस टाइप से पूरा पेप्सी को रख देना है। स्टार्ट। देखिए दोस्तों आपको ये पूरा पेप्सी का रॉ मटेरियल रेडी हो गया है, एक रुपये में बिकने वाला पूरा पेप्सी रेडी हो चुका है, ठीक है। आप दो रुपये में भी बिक सकता है, पूरा साइज लंबा कर दो तो दो रुपये में बिक सकता है, चौड़ा चाहिए तो चौड़ा भी मिल जाएगा हमारे पास से। जैसी साइज आपको चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के मुजब हम आपको कर देंगे दोस्तों। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 42 आपको 40 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के आपको फ्लेवर इसके साथ में मिल जाएगा। आपको ये कितने में बेचना है, एक रुपये में बेचना है, आपके साइज के मुताबिक आप दो रुपये में भी बेच सकते हो, ठीक है। आपको इसी के अंदर आपको चाहिए दूध वाली पेप्सी तो हम आपको पूरा फॉर्मूला देंगे किस तरह से दूध वाली पेप्सी भी बनती है। उसके बाद आपको मैंगो की बनानी है, लीची की बनानी है, पाइनएप्पल की बनानी है तो बना सकते हो दोस्तों। अभी मैं आपको और भी कट करके दिखाने वाला हूँ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैंने छोटा वाला किया है, अभी मैं आपको बड़ा पेप्सी भी बनाकर दिखाने वाला हूँ किस तरह से पूरा पेप्सी बनता है और रेडी होता है। इस तरह से पूरा आपको एक बार पुश करना है नॉर्मली, ठीक है। आप साइड में भी ये बिजनेस कर सकते हो। ये बड़ा हो गया, देखिए दोस्तों ये छोटा है ये बड़ा है। और आपको रेगुलर साइज करना है तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह से रेगुलर साइज में आप पेप्सी बना सकते हो। देखिए दोस्तों ये दोनों साइज अलग है, ठीक है। अभी मैं इसी साइज का पूरा आपको दूसरा एक भर के दिखाने वाला हूँ किस तरह से आपको भरकर
रेडी करते हैं माल और मार्केट में सेल करते हैं। देखिए दोस्तों ये पूरा इस तरह से साइज ले लेना है और नॉर्मली आपको कर देना है। देखिए ब्रेजर बजा, अभी ऑफ हो गया, अभी पूरा पेप्सी कट गया है। देखिए मैंने कोई कट लगाया नहीं है। देखिए ये दोनों का साइज सेम है, एक्यूरेसी भी मशीन का जो रहता है इसी तरह से पूरा हो गया है, इसी टाइप से ये लंबा है। ठीक है, इसका 2 से 3 रुपए में बिक सकता है, 1 रुपए वाला भी है, 2 रुपए में भी आप बेच सकते हो। तो आपका मिनिमम 50 पैसे में एक पेप्सी में मिलता है, इसमें 2 रुपए मिलता है, 1 रुपए मिलता है, उसमें 50 पैसे मिलता है। इसी तरह से आप अलग अलग तरह के भर सकते हो। मैं आपको बाकी का भी दिखा देता हूँ किस तरह से भरकर रेडी करते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से पूरा आपको भरना है और मार्केट में सेल करने के लिए इस तरह से पूरा उसको बंच बनाना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इजीली कट लगता है, नॉर्मली कर सकते हो, आप साइड में भी बिजनेस कर सकते हो। तो इस टाइप की बेहतरीन मशीन, क्वालिटी वाली मशीन परचेस करने के लिए एलजी सोडा मशीन का जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। देखिए एयर वाला पूरा टाइट पेप्सी फील होता है, एयर वाला पूरा टाइट टाइट पेप्सी पूरा फील हो चुका है। तो इस टाइप की बेहतरीन क्वालिटी वाली मशीन परचेस करने के लिए हमारा कॉन्टेक्ट करें दोस्तों। और भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से फील होता है, उसके बाद सील करके भी दिखाऊंगा इस तरह से फीलिंग करके मैंने दिखाया। अब ये सील हो रहा है, देखिए इजीली नॉर्मल है। कितना टेम्परेचर रखना है आपको सीलिंग मशीन में वो भी मैं आपको पूरा आपको सिखाने वाला हूँ। आप हमारे पास से पूरा किट लेते हो तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि हमारे मशीन में इतना आपको टेम्परेचर रखना है। स्पेशलिस्ट पूरा ये पाउच पर पेप्सी के लिए पूरा बनाया गया है। अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको भी मालूम है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और रॉ मटेरियल चाहिए तो हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देखिए फटाफट रेडी हो रहा है माल, आप एक दिन का 3 से 4 हजार रुपये भी इजीली कमा सकते हो। देखिए दोस्तों अभी इतना बचा हुआ है वो भी मैं आपको भरकर दिखाने वाला हूँ। अभी इतना पेप्सी बचा हुआ है वो भी मैं आपको भरकर दिखाने वाला हूँ इस तरह से पूरा। देखिए इतना टाइट पूरा पेप्सी हमारे पास से फिल हो सकता है, और आप सील भी देख सकते हो। ऐसी बेहतरीन मशीन परचेस कर सकते हो, क्वालिटी वाली मशीन हमारे पास से परचेस कर सकते हो। देखिए ये आपके सामने ही पूरा मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आपके हिसाब से आप साइज रख सकते हो दोस्तों। आवे से वीडियो लिख थी है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, किस तरह से फ्लेवर बनाना है, किस तरह से पेप्सी के बनानी है, वो मैंने दोनों आपको रॉ मटेरियल किस तरह से मिलाना है सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अभी आपको जो किट में क्या क्या मिलने वाला है वो भी आप देख लीजिए दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाने वाला है। तो आइए देखिए दोस्तों क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो इस टाइप से आपको पूरा हैंड सीलिंग मशीन मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। इस टाइप का पूरा क्वालिटी वाला मशीन आपको हैंड सीलिंग मशीन हमारे पास से मिल जाएगा। इस टाइप का पूरा टूल जो पेप्सी को मैन्युअली भरने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो आपको मिल जाएगा। इस टाइप का प्रिजर्वेटिव बोतल मिल जाएगा, जिसकी मदद से आपको 6 महीने तक पूरा फ्लेवर जो है वो टिकता है, कुछ खराब नहीं होने देता। इस टाइप का पूरा आपको हमारे पास से प्रिजर्वेटिव मैजिक कंपनी का मिल जाएगा। तो इस टाइप से पूरा आपने देखा, इस टाइप से पूरा रोल अलग अलग टाइप के कितनी साइज रखना है पूरा हम आपको गाइडलाइन देंगे, किस तरह से एयर टाइप पूरा जो पेप्सी होता है वो आप फिल कर सकते हो, उसके बाद किस तरह से हमको सील करना है पूरा मैंने आपको वीडियो में दिखाया और गाइडलाइन भी देंगे। आप हमारे पास से किट लेते हो, रॉ मटेरियल चाहिए तो हमारे पास से रॉ मटेरियल भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कहीं पर भी आपने लिया होगा तो भी आप हमारे पास से ले सकते हो। आप देखिए दोस्तों ये पिंक लीची है,
इसका ये पूरा रॉ मटेरियल है, मींस के पाउडर है, ये लिक्विड है, दोनों मिलाने के बाद आपको पूरा मैंने फॉर्मूला बता दिया। इसी टाइप से पूरा आपको फ्लेवर बनेगा और रेडी होगा। ये है नींबू पानी, आपको नींबू पानी चाहिए तो नींबू पानी भी हमारे पास से मिल जाएगा, उसका प्रीमिक्स पाउडर है, वो दोनों हम साथ में देने वाले है। और आपको चाहिए ज़्यादातर जो कस्टमर है वो मांगते है कि इंक फिगिंग जो रहता है वो स्टिंग सोडा का, तो वो भी हमारे पास स्टिंग सोडा का भी लिक्विड और पाउडर दोनों मिल जाएगा। सोडा का चाहिए तो सोडा का फ्लेवर भी मिल जाता है, जूस का भी मिल जाता है और पेप्सी का मिल जाता है, एक ही जगह पे पूरा आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो इस टाइप का आपको पेप्सी का रोल भी हमारे पास से मिल जाएगा दोस्तों। तो ऐसी बेहतरीन मशीन परचेस करने के लिए आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए, ताकि इस तरह से अलग अलग तरह के बिजनेस आइडिया आपको सीखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह के अलग अलग तरह के हम आपको बिजनेस आइडिया सिखाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है। जय हिंद, जय भारत।